नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वन बाई वन करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो आज के इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे कोरल ड्रा X7 की होम पेज के बारे में। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा था न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अगर आप ये चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स बार बार ना आए, तो आप यहाँ से डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन पर चेक कर देंगे, तो ये अगली बार जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमेशा बार बार आए, तो हम इसे अनचेक ही रहने देंगे और ओके करके हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर होम पेज पर ये जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं, किनका मौजूद रहना ज़रूरी है हमें ग्राफिक डिज़ाइन करते समय, और किनका रहना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसका वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट पे रखा है, तो इस समय जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं, जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये टाइटल बार। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपका खुला होगा उसका नेम यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे अनटाइटल्ड वन हमने कोई नाम नहीं दिया था, तो अनटाइटल्ड वन के नाम से ये डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप ये देख सकते हैं, ये है मेनू बार, जिसके अंदर बहुत सारे सब मेनू मिलेंगे अंदर जा करके, जिनको हम एक एक करके आगे काम करते हुए सीखेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत है। इन सब के अंदर मिलने वाले मेनूज़ की, सब मेनूज़ की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनका हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे आगे चलते हुए। उसके नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अंदर सभी टूल्स हैं जो स्टैंडर्ड हमें वर्क करते समय ज़रूरत पड़ती है, इनको हम अभी एक एक करके समझेंगे। उसके नीचे है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार एक्चुअली जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टूल बार दिखाई दे रहा है, इनमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम आगे अपने ऑब्जेक्ट को यानी अपने ड्राइंग को बनाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी होती है सभी टूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे आगे हम टूल्स को अलग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का मतलब जब हम किसी भी टूल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने का मतलब कि वो टूल सेलेक्ट हो गया है। जैसे जब हमने ये टूल सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो गई। उसी प्रकार जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी टूल के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी ये चेंज होती रहती है हमेशा। तो अभी ये जो फर्स्ट है पिक टूल हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली कोई भी हम वर्क करने के बाद जो है, कोई भी चेंजिंग वगैरह जो भी हम करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम पिक टूल को यूज़ करके करते हैं। ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है वो पिक टूल है। पिक टूल को ही पकड़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर कोई भी वर्क हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये रूलर्स है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के माप को सही जगह रखने के लिए और उसके माप का क्या साइज वगैरह है वो हमको दर्शाता है। उसके बाद राइट हैंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बारे में हम अभी सीखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद है ये कलर पैलेट। कलर पैलेट का बहुत ही ज़्यादा वर्क है कोरल ड्रा के अंदर। जैसे कोई भी कलर हमको लेना है तो हम कलर पैलेट से ही कलर को लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं सारे के सारे खुल करके आपको दिखाई देगा। और उसके नीचे है यहाँ पर स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप कोई भी जो भी वर्क करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो उसका स्टेटस इसके अंदर दिखाता रहता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, कितना सेलेक्ट किया है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेंगी।
और यहाँ पर ये जो है ये स्क्रॉल बार है जो पेज को ऊपर नीचे खिसका करके आपको देखने के लिए काम में आता है। ये ऊपर नीचे करेगा और यहाँ पर नीचे जो स्क्रॉल बार है ये लेफ्ट राइट करके देखने के लिए होता है। और यहाँ पर आपको पेजेस दिखाई देंगे, जितने भी पेज का डॉक्यूमेंट आपका होगा वो सारे के सारे पेजेस पेज 1, 2, 3, 4, 5 करके ये यहाँ पर दिखाई देते चले जाएंगे। और यहाँ पर होता है आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट पेज दिखाई देगा। अगर यहाँ पर और भी कहीं पर कोई ड्राइंग या कोई डिज़ाइन वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट आप बना रखे हैं और वो छूट रहा है तो उसको आप एक ही बार में यहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। इसको एक एक करके हम इस्तेमाल करके देखेंगे। अभी इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। वो डिसेबल करने के लिए आप विंडोज़ में जा करके और यहाँ से ये टूल बार में जा करके आप यहाँ से भी ये कस्टमाइज़ का मेनू ला सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पर कहीं पर भी ये जितने भी मेनूज़ वगैरह हैं या जितने भी टूल बार ओपन हुए हैं कहीं पर भी जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको कस्टमाइज करने के लिए वो बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप यहां से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइज करने के लिए फर्स्ट नंबर पर है मेनू बार, जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से मेनू बार गायब हो चुका है। दोबारा से आप इसी पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहां पर चेक आ चुका है। उसी प्रकार से आप स्टेटस बार पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे से जो स्टेटस बार हमने बताया था वो स्टेटस बार गायब हो चुका है। फिर दोबारा लाने के लिए उस पर क्लिक कर देंगे, वो स्टेटस बार आ जाएगा। उसी प्रकार से आप नीचे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार, टूल बार, जूम वगैरह सभी ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है कस्टमाइज करके ला सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। जिनको चाहिए उनको रख सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए उनको आप यहां से हटा सकते हैं। तो जितने भी अभी इस वक्त ऑप्शन अलाउ है होम पेज पर इन सभी का हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाय डिफॉल्ट आप इसको रहने दें। बाकी आप इसके अपने आवश्यकता के अनुसार आप इसको इधर उधर भी रख सकते हैं। इधर उधर रखने के लिए जैसे मान लीजिए टूल बार अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, आप चाहते हैं कि ये यहां पर दिखाई ना दे, आप कहीं और इसको रखना चाहते हैं, तो जैसे ये डॉटेड लाइन ऊपर दिखाई दे रही है आप इस पर जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो इसका रूप चेंज हो जाएगा, इस तरीके का प्लस में आ जाएगा। आप इसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और ड्रैग करके खींच लाएंगे आगे और यहां पर ला करके छोड़ देंगे तो वो टूल बॉक्स जो है यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। और फिर आप इसको और कहीं आप इसको रख सकते हैं, मान लीजिए यहां रखना चाहते हैं तो यहां पर रख सकते हैं। फिर इसको यहां यहीं से पकड़ करके आप फिर दोबारा यहां पर ला सकते हैं और यहां अगर रखना चाहते हैं तो यहां से फिर दोबारा वापस आप लेकर के आएंगे और माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे नहीं, क्लिक रखते हुए आप जैसे ही साइड में आएंगे और जैसे ही इस तरीके से ग्रे कलर की पट्टी दिखाई देने लगे आप इसको छोड़ देंगे और आप देखेंगे कि यहां पर ये आ चुका है अपने आप। उसी प्रकार यहां से प्रॉपर्टी बार को भी आप लेकर के आ सकते हैं इस तरीके से और जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। फिर दोबारा आप ले जाना चाहें तो इस तरीके से जैसे ही यहां पर इस टाइप का दिखाई दे आप इसे छोड़ देंगे तो वापस ये वहीं पे चला जाएगा। यहां पर आप चाहते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा पेज का ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो आप यहां पर राइट की तरफ ये देख सकते हैं ये अंदर की तरफ एरो जाता हुआ नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये मिनिमाइज हो जाएगा। और फिर दोबारा अगर आपको चाहिए तो आप यहां से क्लिक करके वापस इसे ला सकते हैं। अगर इसे भी आप यहां रखना नहीं चाहते हैं तो यहां से पकड़ करके आप खींच करके यहां पर ला देंगे और कहीं और रखना चाहते हैं तो कहीं और भी रख सकते हैं। और दोबारा अटैच करना है तो आप इसे फिर साइड में लेकर के जाएं, जैसे ही ग्रे कलर का इस तरीके का छोटा सा आपको हाईलाइटेड बॉक्स नज़र आए आप इसको छोड़ दें, फिर ये दोबारा से वहीं का वहीं सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस तरीके से। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने सही जगह पर सेट रहता है हमें काम करने के लिए, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो हम इसे इसके जैसा ही रहने देंगे। आगे कलर पैलेट है, यहाँ पर हमें काम निर्धारित कर लेना होता है कि हमें कौन सा कलर पैलेट यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से कलर पैलेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर
डिफॉल्ट पायलट रहता है। डिफॉल्ट पायलट एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पायलट जो है सीएम के वाइट पायलट ही होता है। जैसे आप इसको भी अगर अलाउ करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे कलर बिल्कुल मैच करते हुए हैं, यानी कि आपका डिफॉल्ट कलर और सीएम वाई के कलर बिल्कुल एक ही होता है, तो आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। और यहाँ से कलर पैलेट पर जा करके जैसे ही आरजीबी पैलेट लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों के दोनों सीएम वाई के हैं और ये आरजीबी है, सेम सीक्वेंस है, लेकिन आप ये कलर में डिफरेंसेस देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंसेस आते हैं यही डिफरेंसेस आपको आरजीबी और सीएम वाई के में मिलता है, जिन जिन कलर में डिफरेंसेस आ रहे हैं इस तरीके से। यानी कि अगर आप ये कलर रखते हैं आरजीबी बनाते समय और जब प्रिंट करेंगे तो आपको ये कलर प्रिंट होकर के आएगा। इसीलिए अगर प्रिंट आपको करना है जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, और उसका अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से या तो बाई डिफॉल्ट पे रखेंगे या फिर सी एम वाई के पे रखेंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट वेब के लिए बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन वेब के लिए बना रहे हैं, व्हाट्सएप के लिए बना रहे हैं या फिर फेसबुक के लिए बना रहे हैं, तो आप इन दोनों को डिफॉल्ट और सी एम वाई के को क्लोज कर देंगे और आर जी बी को रख सकते हैं। तो चूंकि हम जनरली प्रिंटिंग के लिए कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम यहाँ से डिफॉल्ट पैलेट पर रखते हैं और ये सिंगल कलर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से चुन भी सकते हैं कि अभी ये सिंगल लाइन में है और आप चाहते हैं कि ये और भी कलर हमें दिखाई देता रहे, तो एक तो यहाँ से आप नीचे डिफॉल्ट पैलेट की जो एरो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो जितने भी कलर्स होंगे वो सारे के सारे कलर्स आपके सामने आ जाएंगे, और जैसे ही साइड में आप क्लिक करते हैं तो एक कलर फिर दोबारा मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि परमानेंटली हमें वो सारे कलर दिखाई देते रहें, तो उसके लिए आप ऊपर दिखाई दे रहे ये अंदर की तरफ ये जो सिंगल ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे रोज में आकर के आप यहाँ पर दो रोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रो में कलर दिखाई दे रहा है। यहीं पर आकर के अगर आप थ्री रोज कर देंगे तो ये सारे के सारे कलर्स आपको सामने आकर के परमानेंटली दिखाई देते रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कलर ज़्यादा स्पेस हमारा पेज का ले रहा है तो आप यहाँ से जा करके आप सिंगल कलर पर भी, सिंगल रोक पर भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, और जब जरूरत होगी तो आप यहाँ से क्लिक करके वो सारे कलर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में यहीं तक, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इन सभी टूल्स को हम कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी कोरल ड्रॉ को प्रॉपर तरीके से सीख सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।